हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे संकुलन क्षमता के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। संकुलन क्षमता, ध्यान दीजिए, अवयवी कणों अर्थात परमाणु हो चाहे आयन हो चाहे अणु हो, ठीक है, इनको क्या कहेंगे, परमाणु अणु या आयनों को क्या कहते हैं, अवयवी कण कहते हैं, जिनके मिलने से ठोस बनते हैं। तो अवयवी कणों के किसी भी प्रकार से संकुलित होने पर रिक्तियों के रूप में कुछ मुक्त स्थान सर्वदा रहता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो अवीकण हैं, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो, आयन हो, उन वह जो है किसी भी तरीके से पैकिंग हो उनका, किसी भी तरीके से वे क्लोज पैकिंग हो उनका, ठीक है, तो फिर भी उसमें जो है कुछ स्थान जो है हमेशा खाली रहता है। ठीक है, रिक्तियों के रूप में, खाली स्थान के रूप में मुक्त स्थान जो है हमेशा उसमें थोड़ा बहुत रहता है। संकुलन क्षमता कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत है जो कणों द्वारा संपूरित होता है। ठीक है, संकुलन क्षमता क्या होती है, संकुलन क्षमता जो है कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत है जो कणों द्वारा संपूरित होती है। जितना उपलब्ध स्थान है उस स्थान का कितना हिस्सा जो है कणों के द्वारा घेरा गया है, ठीक है, वही परसेंटेज ही संकुलन क्षमता कहलाती है। बाकी जो बच जाता है वो खाली स्थान होता है। तो संकुलन क्षमता क्या होती है, कणों के द्वारा, अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया परसेंट में स्थान ही संकुलन क्षमता कहलाता है। ठीक है, तो अवयवी कणों अर्थात परमाणु अणु आयनों के किसी भी प्रकार से संकुलित होने पर रिक्तियों के रूप में कुछ मुक्त स्थान सर्वदा रहता है। संकुलन क्षमता कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत है जो कणों द्वारा संपूरित होता है, जो कणों द्वारा ढका जाता है। आइए हम विभिन्न प्रकार के संरचनाओं में संकुलन क्षमता का परिकलन करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला, SCP और CCP संरचनाओं में संकुलन क्षमता। ठीक है, तो आप देखेंगे कि SCP और CCP में जैसी संरचनाओं में कितनी संकुलन क्षमता है, कितना जगह जो है भरा रहता है और कितना खाली रहता है, इसकी गणना करना है। तो दोनों प्रकार के निविड संकुलन, दोनों प्रकार के क्लोज पैकिंग अर्थात SCP और CCP समान क्षमता वाले होते हैं। आइए CCP संरचना में संकुलन क्षमता का परिकलन करें। ठीक है, तो CCP संरचना में आपको संकुलन क्षमता निकालना है। ठीक है, चित्र में यदि एकक कोष्ठिका के कोर अर्थात एज या किनारा की लंबाई a हो, तो आप देख रहे हैं कि चित्र में जो एकक कोष्ठिका बनी हुई है उसके किनारों की लंबाई को क्या माना गया, a माना गया, तथा फलक विकर्ण AC को b माना गया, स्मॉल b हो तो। ठीक है, एकक कोष्ठिका के कोर या किनारा की लंबाई स्मॉल a हो तथा फलक अर्थात विकर्ण AC की लंबाई क्या हो, b हो तो। ठीक है, तो ध्यान से देखें, यह आपका फिगर है, इसमें जो है कोर की लंबाई जो है a माना गया, ये जो कोर हैं, किनारे हैं, इनकी लंबाई को स्मॉल a माना गया है और यह जो विकर्ण है इसको क्या माना गया है, b माना गया है। ठीक, तो यह जो है आपका क्या है, यह घनी निविड संकुलित संरचना है जिसमें CCP क्लोज पैकिंग होता है। ठीक है, इसके दूसरे कोरों में गोलकों को नहीं रखा गया है, एक सीध में जो गोलक हैं उनको लिया गया है। तो इसमें हम त्रिभुज लेते हैं ABC, त्रिभुज AB और C, यह त्रिभुज लेते हैं AB और C। ठीक है, इस त्रिभुज में यह जो आपका विकर्ण है जिसकी लंबाई b माने हैं आप, तो AB, ठीक है, यह विकर्ण क्या है, AC है, तो विकर्ण AC का स्क्वायर बराबर, ठीक है, BC का स्क्वायर धन AB का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यह जो आप त्रिभुज ले रहे हैं ABC, इसमें जो है विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे AC स्क्वायर आपका विकर्ण है जिसको क्या माने हैं, B, तो यह हो गया B का स्क्वायर, AC स्क्वायर मतलब B का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यह कोर या किनारा है जिसको आप स्मॉल a से माने हो, तो यह भी ये हो जाएगा, यह भी ये हो जाएगा, तो यह a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, यह हो गया। तो आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर अर्थात B स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, BC स्क्वायर का मान हो गया a स्क्वायर और AB स्क्वायर का मान हो गया a स्क्वायर अर्थात 2A स्क्वायर। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं कि बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर टू ए स्क्वायर, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू ए स्क्वायर, अंडर रूट टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाहर आएगा, ए स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा तो ए अंडर रूट से बाहर आएगा तो ए हो जाएगा और अंडर रूट टू ही रह जाएगा, ठीक। तो यह हो गया बी बराबर अंडर रूट टू ए, ठीक है। तो इस तरह से विकर्ण कितना निकल गया, बी बराबर अंडर रूट टू ए निकल गया। यदि गोले का अर्धव्यास आर हो, गोले का अर्धव्यास क्या हो, आर हो, तो बी का मान कितना होगा, तो यह गोले का आधा जो है वो अर्धव्यास क्या है, आर है, तो यह टोटल यहाँ से ए से लेकर सी तक आर का मान कितना होगा, तो यहाँ तक हो गया एक आर, यहाँ से यहाँ तक दो आर, और फिर यह हो गया आपका तीन आर, और यह हो गया चार आर, ठीक है ना। तो यह पूरा संपूर्ण गोला है तो इसमें टू आर होगा, और ये आधे आधे हैं तो टू आर मिलकर कितने हो गए, फोर आर हो गए। तो यदि गोले का अर्धव्यास आर हो तो बी बराबर क्या हो जाएगा, फोर आर हो जाएगा, ठीक है। तो यह बी के जगह पे फोर आर लिखेंगे, बराबर अंडर रूट टू ए, तो फोर आर बराबर अंडर रूट टू ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, फोर आर बटे अंडर रूट टू, ठीक है। ए बराबर क्या हो जाएगा, फोर आर बटे अंडर रूट टू। यह कोर की लंबाई निकल गई। अब यहाँ ऊपर नीचे अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो नीचे वाला ठीक है टू हो जाएगा, तो टू से या टू फोर डिवाइड करेंगे तो टू आएगा, तो ये हो जाएगा टू अंडर रूट टू आर। तो इस तरह से किनारा अर्थात एज की लंबाई ए बराबर कितनी आ गई, टू अंडर रूट टू आर आ गया, ठीक। या आर बराबर, तो आर बराबर ए बाई टू अंडर रूट टू, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर बराबर हो गया ए अपान टू अंडर रूट टू, ठीक। हम जानते हैं कि सी सी पी संरचना में प्रभावी रूप से प्रति एकक कोष्ठिका चार गोले होते हैं। जो सी सी पी संरचना होती है उसमें प्रभावी रूप से प्रति यूनिट सेल अर्थात प्रति एकक कोष्ठिका में कितने गोले होते हैं, चार गोले होते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि सी सी पी संरचना में प्रभावी रूप से प्रति एकक कोष्ठिका में चार गोले होते हैं, अतः चार गोलों का कुल आयतन कितना होगा, एक गोले का आयतन कितना होता है, चार बटे तीन पाई आर क्यूब होता है, तो चार गोलों का कितना होगा, तो चार गुणे चार बटे तीन पाई आर क्यूब के बराबर होता है। और घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का घन होता है ए क्यूब, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है, और ए का मान कितना आया है, टू अंडर रूट टू आर आया है, टू अंडर रूट टू आर आया है, तो एक के जगह पे आप रख दिए टू अंडर रूट टू आर का क्यूब हो गया। अतः संकुलन क्षमता बराबर, संकुलन क्षमता बराबर एकक कोष्ठिका में चारों गोलों द्वारा अध्यासित आयतन बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन गुणे 100%, ठीक है। संकुलन क्षमता बराबर एकक कोष्ठिका में चारों गोलों का अध्यासित आयतन बटे एकक कोष्ठिका कुल आयतन गुणे 100%। मान रख दीजिए एकक कोष्ठिका के चारों गोलों द्वारा अध्यासित आयतन कितना निकला है, चार गुणे चार बटे तीन पाई आर क्यूब, ठीक है, चार गुणे चार बटे तीन पाई आर क्यूब, और ये आपका गुणे 100%। एकक कोष्ठिका का कुल आयतन कितना निकला है, तो एकक कोष्ठिका का कुल आयतन आपका निकला है टू अंडर रूट टू आर का क्यूब, तो टू अंडर रूट टू आर का क्यूब हो गया। अब इसको सॉल्व करें आप, ठीक है, तो आप सॉल्व करोगे तो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो चार चौक 16 हो जाएगा, 16 बटे 3 पाई आर क्यूब गुणे 100%, और इसका जो है क्यूब करना है तो 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और फिर इसका इसको सॉल्व करोगे आप, ये हो जाएगा आपका 16 अंडर रूट टू आर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया आपका 16 अंडर रूट टू आर क्यूब, इसको सॉल्व करने पर आएगा, ठीक है, यह 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और इस अंडर रूट 2 का जब क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू अंडर रूट टू अंडर रूट टू, तो जाएगा अंडर रूट 2 का 2 मल्टीप्लाई कर 4 हो जाएगा, तो 4 से 2 बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट 2 भाई 1 बच जाएगा, तो 4 भी इसमें 2, ठीक है, तो ये 8 हुआ था और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 16 हो जाएगा, तो 16 अंडर रूट 2 आर क्यूब हो गया, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करोगे, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 74%। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि घनी निविड़ संकुलित संरचना में सीसीपी संरचना में कितना जो है संकुलन क्षमता होती है, 74% होता है, 74% जो जगह होता है वो भरा रहता है, बाकी जो स्थान होते हैं वे खाली रहते हैं, ठीक है ना, बाकी जगह क्या होता है, खाली रहता है। तो अगर पूछा जाए कि कितने जगह खाली रहते हैं, ठीक है, तो कितने जगह खाली रहते हैं, तो 26%,
ठीक है, 26% जो होते हैं वह स्पेस खाली रहते हैं, जबकि 74% स्पेस क्या होते हैं, भरे होते हैं। यह आपका था घनी निविट संकुलित संरचना में संकुलन क्षमता। अब आप दूसरा देखते हैं, अंतः केंद्रित घनी संरचनाओं में संकुलन क्षमता के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है, चारों कोने पे गोले होते हैं और एक सेंटर में गोला होता है। यह फिगर आप देख रहे हैं, यह फिगर है आपका अंतः केंद्रित घनी संरचनाओं में संकुलन क्षमता का। यह फिगर है जिसमें आप देखें, यह किनारों पर गोले हैं और एक जो है गोला सेंटर में है। ठीक है, इसमें आपको संकुलन क्षमता निकालना है। तो चित्र 1.25 में अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका अर्थात काय विकर्ण में उपस्थित गोलों को ठोस परिसीमा द्वारा दर्शाया गया है। चित्र 1.25 से स्पष्ट है कि केंद्र में स्थित परमाणु विकर्ण पर व्यवस्थित अन्य दो परमाणुओं के संपर्क में है। ये जो केंद्र में है परमाणु, यह विकर्ण पर स्थित परमाणुओं के क्या है, संपर्क में है, उसी के सीध में है। ठीक है, तो इस आधार पर त्रिभुज ई एफ डी में, यहाँ पे एक त्रिभुज लेते हैं ई एफ डी, यह देखें ध्यान से, यह आपका त्रिभुज है ई एफ और डी, यह त्रिभुज ई एफ डी। ठीक है, त्रिभुज ई एफ डी में यह आपका विकर्ण है, कर्ण है बी, जिसका मान है बी, और यह आपका किनारा है ए और ए। ठीक है, इस त्रिभुज ई एफ डी में, ठीक है, यह आपका बी स्क्वायर, ठीक है, अर्थात यह एफ डी का स्क्वायर, कोण का स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, एफ डी का स्क्वायर बराबर ई एफ का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। इस बेस पे बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2a स्क्वायर, तो बी बराबर अंडर रूट 2a हो गया, अंडर रूट 2a। तो यह हो गया त्रिभुज ई एफ डी में। अब आते हैं त्रिभुज ए एफ डी में। ठीक है, ए एफ डी में यह त्रिभुज देते हैं ए एफ और डी। इस त्रिभुज में देखते हैं ए एफ डी में, तो त्रिभुज ए एफ डी में यह आपका विकर्ण हो गया, तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह आपका ए है और यह बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो त्रिभुज ए एफ डी में सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2a स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यह हो गया आपका सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। तो यह ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3a स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो सी बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट 3a स्क्वायर होगा, अंडर रूट 3a स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर से ए बाहर हो जाएगा, तो अंडर रूट 3a हो जाएगा। तो इस तरह से सी की वैल्यू कितनी निकल गई, अंडर रूट 3a निकल गई। ठीक है, अंडर रूट 3a निकल गई, या किसकी वैल्यू निकल गई, सी की वैल्यू निकल गई, और बी की भी वैल्यू आपकी निकल चुकी है, अंडर रूट 2a निकल चुकी है। काय विकर्ण सी, या जो काय विकर्ण सी है, इसकी लंबाई कितनी होगी, तो यह 4r के बराबर होगी। कैसे, यह r हो गया और यह 2r हो गया और यह r हो गया, तो r 2r मिलकर 3r और यह 4r। काय विकर्ण सी की लंबाई 4r के बराबर है। ठीक है, जो काय विकर्ण सी है उसकी लंबाई 4r के बराबर है, जहां r गोले अर्थात परमाणु का अर्धव्यास है, क्योंकि विकर्ण पर उपस्थित तीनों गोले एक दूसरे के संपर्क में हैं। जो विकर्ण पे हैं वह तीनों गोले क्या हैं, एक दूसरे के संपर्क में हैं। अतः ठीक है, यह सी का मान कितना निकल गया, 4r, तो 4r बराबर अंडर रूट 3a, या फिर लिख सकते हैं 3a बराबर अंडर रूट 3a बराबर 4r। ठीक है, अंडर रूट 3a बराबर 4r, तो a बराबर क्या होगा, तो 4r बटे अंडर रूट 3, a बराबर हो गया 4r बटे अंडर रूट 3। ठीक है, अतः यह भी लिख सकते हैं कि r बराबर, अगर r की वैल्यू लिखनी हो तो r बराबर अंडर रूट 3a बटे 4, r बराबर अंडर रूट 3a बटे 4 लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो a अगर लिखना हो तो 4r बटे अंडर रूट 3 होगा, r लिखना हो तो अंडर रूट 3 बटे 4a होगा। ठीक है, इस प्रकार ध्यान दीजिए, इस प्रकार की संरचना में परमाणुओं की कुल संख्या 2 है। ठीक है,
इस प्रकार की संरचना में कितने परमाणु भाग ले रहे हैं? दो परमाणु भाग ले रहे हैं, क्योंकि 4R आ रहा है, 4R में कितने परमाणु बनेंगे? दो परमाणु बनेंगे। इस प्रकार की संरचना में परमाणु की कुल संख्या 2 है, अतः उनका आयतन कितना होगा? 2×4/3πr³ होगा। घन का आयतन क्या होता है? एक घन होता है, भुजा का घन होता है, ठीक है। तो जिसका मान हो गया 4, ठीक है, 4/3R³, क्योंकि ए का मान कितना निकला है? ए का मान निकला है 4R³ निकला है, तो एक जगह पर मान रख दिए 4R³³ के बराबर होगा, ठीक है, अथवा एक घन बराबर होगा 4R³³। अतः संकुलन क्षमता क्या होगी? यह आयतन निकल गया, ठीक है, तो संकुलन क्षमता बराबर एकक कोष्ठिका में दो गोलों द्वारा अध्यासित आयतन गुणे 100 एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, ठीक है। एकक कोष्ठिका में दो गोलों द्वारा अध्यासित आयतन, तो दो गोलों द्वारा अध्यासित आयतन कितना है? 2×4/3πr³ और एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, एकक कोष्ठिका का कुल आयतन कितना निकला है? यह आपका निकला है 4R³³ तो यह हो गया 4R³³। अब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसमें 4×8/3πr³ और इसका घन करेंगे तो 64 हो जाएगा, ठीक है, 64/3×3R³, ठीक है। फिर इसको आप काटोगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 68%। तो आप देख रहे हैं कि अंतः केंद्रित गणित संरचनाओं की संकुलन क्षमता कितनी होती है? 68% होती है, ठीक है। संकुलन क्षमता कितनी होगी? 68% होगी। तो कितना खाली होता है स्पेस? 32%, ठीक है। खाली जगह कितना होता है? 32%। पूछा जाए कि अंतः केंद्रित गणित संरचनाओं के संकुलन क्षमता कितनी होती है, तो 68% होती है। तो खाली स्पेस कितना होता है? 32% होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह हो गया आपका अंतः केंद्रित घनित संरचनाओं की संकुलन क्षमता। अब तीसरा देखते हैं, सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता, ठीक है। तो यह सिंपल है, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की क्लोज पैकिंग आपको देखना है। तो इसमें क्या होगा, कॉर्नर पे एटम पाए जाते हैं, तो दो कॉर्नर के परमाणु जो है जब क्लोज पैकिंग होगा तो एक दूसरे से सट जाएंगे, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं। इसी के बेस पे आपको सॉल्व करना है। एक सरल घनीय जालक में परमाणु केवल घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। घन के किनारे पर कण एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, घन के किनारों पर कण एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं। इसलिए घन के कोर अथवा भुजा की लंबाई a और प्रत्येक कण का अर्धव्यास r निम्न प्रकार संबंधित होता है, ठीक है। तो a का मान कितना होगा? 2r के बराबर होगा। यह r और यह r दोनों मिलकर कितने हो गए? 2r के बराबर होगा। इसलिए घन के कोर और भुजा की लंबाई a और प्रत्येक कण का अर्धव्यास r में क्या संबंध होगा? a बराबर 2r, ठीक है। घनी एकक कोष्ठिका का आयतन क्या होगा? घनी एकक कोष्ठिका का आयतन a घन अर्थात 2R³ अर्थात 8R³, ठीक है, 8R³ हो गया। चूंकि सरल घनी एकक कोष्ठिका में केवल एक परमाणु होता है, सरल घनी एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु होते हैं? एक परमाणु होते हैं, अतः अध्यासित दिक स्थान का आयतन कितना होगा? 4/3πr³ होगा, एक परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन। तो संकुलन क्षमता बराबर एक परमाणु का आयतन बटे घनी एकक कोष्ठिका का आयतन गुणे 100%। तो एक परमाणु का आयतन 4/3πr³ और घनी एकक कोष्ठिका का आयतन जो आया है आपका 8R³ × 100, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यह जो है आपका 4 से 8 कट जाएगा, 4×2 8 और 3 से 2 × 6 हो जाएगा। यह हो गया आपका पाई बटे 6 × 100। अब पाई का मान आप रख दोगे 22/7, फिर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 52.36%। कितना आ गया? 52.36%। इसको लगभग में लिख सकते हैं 52.4%, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता कितनी होती है? 52.4% होती है। कितनी होती है? 52.4% होती है। और कितना खाली जगह होता है? 57.6% जो होता है वो क्या होता है? खाली जगह होता है।
स्टूडेंट्स, कितना खाली जगह होता है? ओ ठीक, 47.6%। तो 47.6% जो है खाली जगह होता है और इसकी संकुलन क्षमता होती है 52.4%। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सीसीपी और एससीपी संरचनाओं में अधिकतम संकुलन क्षमता है। ठीक है, अधिकतम संकुलन क्षमता किसमें पाई जाती है? सीसीपी और एससीपी संरचना में, और कितना होता है? 74%। ठीक है, बाकी जो अंतर केंद्रीय घनी संरचना है उसकी संकुलन क्षमता है 68% और सरल घनी जालक की संकुलन क्षमता होती है 52.4%। ठीक है, तो यह हो गया आपका संकुलन क्षमता के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।